तो गाइस आप देख सकते हो एक्चुअली ब्यूटी क्रीम है जो कि गोरी की। और गाइस सर मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर इस क्रीम में केमिकल डला या नहीं। तो गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं जो कि आपके को हार्म करे, आपके स्किन पर साइड इफेक्ट छोड़े। अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो स्किन वाइटिंग के लिए तो यार बिल्कुल इसमें ले सकते हो। गाइस इसमें कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसमें लिए गए वो और कुछ केमिकल उसमें ले गए, लेकिन गाइस जो केमिकल उसमें ले गए जो कि आपके स्किन के लिए सेफ है। गाइस सर कोई भी कंपनी किसी भी क्रीम में केमिकल इसलिए डालती है कि उनका जो प्रोडक्ट एक्चुअली ज़्यादा दिन तक चल सके, क्योंकि अगर कोई भी क्रीम पर कोई किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती तो वो जो क्रीम है एक्चुअली लॉन्च होती है तो एक्चुअली 3-4 साल तक चले, मतलब कि किसी प्रोडक्ट पर एक्चुअली एक्सपायर डेट लिखी रहती है कि 2 साल की है 3 साल की है। इसलिए गाइस उसमें केमिकल डाला जाता है थोड़ा भी जो कि वो जो है एक्चुअली ख़राब ना हो। और गाइस आप देख सो जितनी भी एक्चुअली मार्केट में जो खाने पीने की चीज़ें आती है उसमें भी केमिकल होता है, ऐसा नहीं कि यार इसमें ही केमिकल है। हाँ इसमें कुछ केमिकल है लेकिन वो सेफ है आपके स्किन के लिए। हर चीज़ में गाइस केमिकल होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हर जो मार्केट में जितनी भी क्रीम्स आती है वो कंपनियाँ बोलती है कि जो हमारे जो क्रीम है नेचुरल है, लेकिन यार ऐसा नहीं होता। उसी क्रीम में गाइस केमिकल होता है, इसमें भी कुछ केमिकल उसमें ले गए जो कि लेकिन आपके स्किन के लिए सेफ है। और गाइस मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस क्रीम का जो स्किन वाइटिंग वाला इंग्रेडिएंट्स है वो कौन सा है, क्योंकि यार मुझे काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर जो मार्केट में जो क्रीम्स आती है हमारे इंडिया में उनमें भी गाइस कुछ कोजिक एसिड होता है, लेकिन उन क्रीम से हमको स्किन वाइटिंग क्यों नहीं मिलती। तो गाइस मैं आपको ये भी बता देता हूँ, गाइस ये जो क्रीम है एक्चुअली इसमें भी कोजिक एसिड उसमें ले गया है, आवकोड़ा इसमें ले गया, लाइकोपिन इसमें ले गया, विटामिन B3 ऐसी कुछ जो स्किन वाइटिंग वाली इंग्रेडिएंट्स होती है उसी तरह के इंग्रेडिएंट्स उसमें ले गए। लेकिन गाइस इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है स्किन वाइटनिंग का वो है विटामिन C, लाइकोपिन, कोजिक एसिड, क्योंकि अरे 3-4 इंग्रेडिएंट्स का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो वो एक्चुअली आपके स्किन को काफ़ी हद तक फेयर करती है और आपके स्किन डार्क स्पॉट को रिमूव करती है। और आपके स्किन अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि और लाइकोपिन काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके स्किन वाइट को काफ़ी हद तक फेयर करता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक्चुअली लाइकोपिन काफ़ी सारे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि टमाटर हो गया जो आप डेली अपने जो जब आप उसको डेली सेवन करते हो टोमेटो को, उसमें गैस हाई मात्रा में लाइकोपिन पाया जाता है। और गैस आपको पता होगा जितनी भी होम रेमेडीज आती है हर हर कोई बोलता है कि आप टोमेटो का यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें हाई मात्रा में लाइकोपिन पाया जाता है जो कि आपके स्किन के लिए आपके स्किन को गोरा करता है और आपके स्किन के लिए काफ़ी सेफ होता है। आपको पता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है, वैसे गैस में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसमें लेके। और गैस आप देख सकते हो जो आपको जो ये गोरी क्रीम देख रही है जो कि उस ऊपर से जो क्रीम है थोड़ी सी निकल गई है वो एक्चुअली डुप्लीकेट गोरी क्रीम है ब्यूटी की। और इस साइड आपको देख रही है जो पूरी तरह से क्लीन है, मतलब कि वहाँ से कोई क्रीम निकली नहीं है, वो एक्चुअली 100% ओरिजिनल गोरी क्रीम है। अगर आपके पास कुछ ऐसी कुछ क्रीम देख रही होगी तो आप इसको बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि इसके काफ़ी सारे मार्केट में कॉपीराइट है, मतलब कि काफ़ी सारे लोग जो है एक्चुअली इसको ओरिजिनल क्रीम तो एक्चुअली आपको मार्केट में नहीं मिलती, डुप्लीकेट ही मिलती है। और गैस अमेजॉन पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग यार डुप्लीकेट क्रीम बेच रहे हैं। अगर आप इस क्रीम को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधे इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हो। ठीक।